एग्रोविजन फाउंडेशन आचार्य देवव्रत की हिंदी पुस्तक प्राकृतिक खेती का मराठी संस्करण 25 अगस्त 2024 को सुबह 11 बजे वसंतराव देशपांडे हॉल में जारी करेगा। इस पहल की शुरुआत नितिन गडकरी ने की है। पुस्तक प्राकृतिक खेती की विधियों पर आधारित है और किसानों को पर्यावरण संवर्धनशील कृषि के लाभ बताती है। 25 अगस्त को सुबह 11 बजे देशपांडे हॉल में सिविल लाइन्स पे गुजरात के राज्यपाल माननीय श्री देवव्रत आचार्य, इनकी लिखी हुई जो प्राकृतिक खेती की पुस्तिका थी उसका मराठी अनुवाद नैसर्गिक खेती, इस पुस्तक का विमोचन उन्हीं के करकमलों द्वारा होने जा रहा है। ये जो अनुवाद है ये नितिन जी ने करवा लिया है ताकि विदर्भ के जो किसान हैं उनके पास ये जो अच्छी जानकारी है नैसर्गिक खेती की वो पहुँचे। और उस दिन पुस्तक के विमोचन के बाद आचार्य जी खुद नैसर्गिक खेती पे, मतलब प्राकृतिक खेती पे किसानों का मार्गदर्शन भी करेंगे। उन्होंने खुद जो 200 एकड़ में प्राकृतिक खेती कई साल से वो करते आ रहे हैं इसके बारे में वो उसकी चित्र भी दिखाएंगे, कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे और किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। और उसी दिन नितिन जी के पहल से हम लोग एग्रोविजन के फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर, या इसको हम लोग बोलते हैं कि किसान प्रशिक्षण केंद्र, उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। क्योंकि नितिन जी की इच्छा है कि विदर्भ के किसानों के लिए एक ऐसी जगह बने, ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बने जहां साल भर उनके लिए अलग अलग विषयों पे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चले। उनको भी किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो वहाँ छोटा सा लाइब्रेरी हो, वहाँ कुछ टेस्टिंग लैब्स हो। तो इस प्रकार का जो संकुल बनाने जा रहे हैं उसका भूमि पूजन भी 25 तारीख को माननीय गवर्नर जी के हाथ से होने जा रहा है। इसमें कितने किसान आने वाले हैं और कहाँ कहाँ से आएंगे? नहीं, इसमें तो अपने जो आसपास के ज़िले हैं, मतलब विदर्भ से ही हम लोग चाहते हैं कि 1000-1200 किसान आए और जिनको प्राकृतिक खेती में, नेचुरल मतलब खेती में इंटरेस्ट है वो लोग ज़्यादा संख्या में आए। पाऊस निसर्गाचं वरदान आहे पण त्याचबरोबर कडाडणाऱ्या विजा मात्र कधी कधी आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकतात। महाराष्ट्रात विजा पडून झालेल्या मृत्यूंची सरासरी चिंताजनक आहे। विजा पडणे आपण थांबवू शकत नाही पण आपण आपल्या जीवितांची काळजी घेऊ शकतो। विजा चमकत असल्यास मोकळ्या जागेवर राहू नका, पत्र्याचे शेड बसस्टॉपचा आसरा घेऊ नका, उंच झाडे विजेचे खांब याखाली उभे राहू नका। छतावर किंवा उंच डोंगरावर असाल तर खाली उतरा, पाण्याच्या मोठ्या साठ्यापासून दूर राहा, घरात विजेची उपकरणे हाताळू नका। दामिनी ॲप तुम्हाला नैसर्गिक विजेच्या संभाव्य धोक्यांची सूचना अगदी विनामूल्य देते, ते वापरा आणि सुरक्षित स्थळी आसरा घ्या। आपत्ती व्यवस्थापन आयुष्याचे संवर्धन, आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन। चिंगीच्या भातुकली सारख्याच आपणही आनंदाने आपला संसार उभारतो, कष्टाने एक एक वस्तू जमवतो, पण अचानक नियती डाव साधते आणि अवघा संसार उधळून लावते। भूकंप, पूर, चक्रीवादळ, गारपीट, वीज कोसळणे असे अनेक संकट महाराष्ट्रावर आली, त्यात अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले। अशा संकटामध्ये गरज असते ती आपुलकीची आणि भक्कम आधाराची, अश्रू पुसून पुन्हा आनंद फुलवण्याची। शासनाने हेच कर्तव्य पार पाडले, आपत्तीग्रस्तांना आर्थिक सहाय्य, सुरक्षित निवारा दिला, त्यांच्या आरोग्याची, मुलांच्या शिक्षणाची काळजी घेऊन त्यांच्या जीवनात आनंद फुलवला। मदतीतून नवजीवन, आनंदाचे पुनर्वसन। आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन।